कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो यार आज का एपिसोड थोड़ा रिलैक्सिंग होने वाला है क्योंकि फैलखाना को मारने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपग्रेड करना चाहिए, जो कि अब तक अपग्रेड कर लेना चाहिए था जो मैंने किया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो हार्वेस्टिंग स्लॉट्स है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर अभी सिर्फ दो लाइनें हैं और उसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। और तो और यहाँ पर भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं कंप्लीट डिलीवरीज में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो तू होल्ड हार्वेस्ट करके लिखा है ताकि हार्वेस्ट बॉक्स के लिए ज़्यादा रूम बन सके। एल्डर्स रिसेस में कैंप सेटअप करना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है। हॉरोफ्रॉस्ट रीच में भी कैंप सेटअप करना है। तो रिलैक्सेशन से मेरा पूरा ये मतलब नहीं कि आज हंट ही नहीं करेंगे, हंट करेंगे लेकिन मोस्टली उन सब चीज़ों का जो कुछ मतलब क्या कहते हैं, गेम को आसान बनाने की यूटिलिटीज़ में हेल्प करे। तो शुरू करते हैं। तो ये जानने का सबसे इजी तरीका ये है, सबसे पहले मैं जाऊँगा लो रैंक हाई रैंक क्वेस्ट में, ऑप्शनल में जाऊँगा, और जैसे ही मैं कहीं पर किसी भी क्वेस्ट में मतलब हवर करता हूँ तो यार देख सकते हो जो क्वेस्ट इनकम्प्लीट है वहाँ पर देख सकते हो क्लाइंट कौन है क्वेस्ट का, स्मार्ट बायोलॉजिस्ट। तो स्मार्ट बायोलॉजिस्ट वगैरह वो सब सिर्फ रिसर्च वगैरह ही करते रहते हैं, तो इस क्वेस्ट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका देखता हूँ मैं, स्पेशल अरीना में है अरीना लैस, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं मियास्कुलर शेफ। अब मियास्कुलर शेफ के क्वेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये शेफ यूजुअली मतलब कुछ भी नए नए आइटम्स वगैरह अपने फूड के मेन्यू में लाता है। तो यही क्वेस्ट सबसे पहले शुरू करते हैं, अरीना लैस, अरीना लैस, सब में अरीना लैस है। तो मियास्कुलर शेफ का क्वेस्ट पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। रॉटन वेल पे जाऊँगा और जितना क्वेस्ट को देखकर मेरे को लगता है क्वेस्ट में करना यह है दो मीट के टुकड़े लेके आने हैं और मीट के टुकड़े अपने को लाने हैं ओदोगेरोन के गुफे से। तो आसान काम नहीं है लेकिन वैसे कहूँ तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो यार चलो चल लेते हैं। मीट लंप डिलीवर करने हैं। अब ओडोगेरोन का गुफा कहाँ पर है मैं भूल चुका हूँ। ओके यही रास्ता है। होपफुली यहाँ पर ओडोगेरोन ना मिल जाए बस। गीरोस वगैरह यहाँ पर मौजूद है देख सकते हो और उन्होंने मेरे को देख लिया है। तो यार ये हो गया, मीट का लंप अभी यहाँ से उठाना है। तो देखते हैं स्काउट फ्लाइज लेकर कहाँ तक जाते हैं। ओके यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, नाइस। यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरोज वगैरह है। अच्छा वो लो रैंक क्वेस्ट है तो जल्दी से हो भी जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यार लंप ऑफ मीट लिखा है, तो वही है अंडे को जैसे उठा कर लेकर के जाते थे वैसे ही मीट के लंप को भी उठा कर लेके जाना पड़ेगा। और अगर ओडोगेरोन इस क्वेस्ट में मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो मास्टर रैंक पे आ चुके हैं और लो रैंक ओडोगेरोन को मारना इतना ज़्यादा इजी होगा कि मीट लंप ले जाने से पहले ही मैं ओडोगेरोन को मार सकता हूँ, इतना ज़्यादा इजी। ओके ये किसने किया, मच्छरों से नफरत है मुझे। तो यार क्वेस्ट में मुश्किल चीज़ जो है वो यही है, मीट को बचाते हुए लेकर के जाना और साथ में इन मच्छरों से भी बच करके रहना।
लेकिन अच्छी बात यह है कि मीट के कितने भी टुकड़े हो वो मिल ही जाएंगे बार बार, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर एक बार गिर भी जाता है तो दोबारा से लेकर के जा सकते हैं। यूजुअली मच्छर वगैरह इतने ज़्यादा अटैक मोड पे होते नहीं हैं, एग्रो होते नहीं हैं, बट फॉर सम रीज़न जब भी ऐसा कोई क्वेस्ट आता है उनका एग्रो अचानक से बढ़ने लग जाता है। तो यार देख सकते हो मेरा भी स्टैमिना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। हॉर्नेट और ये चिड़िए भी मेरे को मारने में लगे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूं मैं। और ये पहला मीट कलम इकट्ठा हो चुका है, नाइस। और थोड़ी सिंगर टॉर्च लेके जाता हूँ, देखता हूँ इस बार इन मच्छरों को खत्म कर पाता हूँ कि नहीं। एक खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा भी, चौथा भी, बहुत सही। मेढक ने इस बार मेरे को सुला दिया, पैरालिसिस वाला मेढक था। ये होते ही ऐसे जानवर जिनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा है, मास्टर रैंक वेपन है, किसी भी चीज़ को मैं वन हिट कर सकता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो और भी कीड़े वगैरह है। डिफरेंस ये है कि ये मेरे पर अभी आग्रो नहीं हो रहे, पर जैसे ही मैं मीट लेकर आऊँगा सब मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। तो बेसिकली वो मेरे पीछे नहीं, वो मीट के पीछे पड़े रहते हैं। शायद गिरोज वगैरह यहाँ पर फिर से आएंगे, नहीं। चलो ये बढ़िया है। ये रास्ता किधर तक लेके जाता है? चलो मीट गिरा के एक बार देख लेते हैं मैं इससे निकल सकता हूँ कि नहीं। निकल तो सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही नया रास्ता है ये, और मुझे लगता है ओडोगेरोन इधर ही से आता होगा। और अगर मैं ये अनलॉक कर लूँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, मुझे लगा कुछ तो भी नया होगा, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। जो काम करने आया था वही करते तुम, और फिर यहाँ से निकल लूँगा। देख सकते हो यार यहाँ पर कितनी ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई है। और मेरा शक ये है कि यहाँ पर कुछ, जैसे कि रोटेन व्हील का नाम ही है, कि ड्रैगन्स वगैरह यहाँ पर मरने के लिए आते हैं, ड्रैगन्स के कोई भी जानवर यहाँ पर मरने के लिए आता है। और इनमें से काफ़ी सारी हड्डियाँ ऐसी रहती है जो हंट करके लाई जाती है, और काफ़ी सारी हड्डियाँ ऐसी होती है जिनको बस स्कैवेंज किया जाता है। और जैसा कि तुम समझ ही सकते हो ओडोगेरोन जो है वो मोस्टली स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में आता है। चलो अच्छी बात है, मच्छर वगैरह अभी तक एग्रो हुए नहीं मेरे पे, और इसलिए मेरा स्टैमिना बार अभी तक विजिबल हुआ नहीं है, कि अगर मेरे पर कोई भी एग्रो होता है तो मेरा स्टैमिना बार विजिबल होने लग जाएगा, और उसी टाइम मैं लगातार भाग नहीं सकता। मैंने एक सेकंड पहले इनको मारा था और ये एक सेकंड में ही रीस्पॉन हो चुके। अरे बाप रे, वो ऑलमोस्ट पकड़ लिया था मेरे को उस मच्छर ने। खैर कोई दिक्कत नहीं।
क्वेस्ट लंबा नहीं था, कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट अनॉइंग था थोड़ा, वो तो मैं कहूँगा ही। चले यार, ये क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट, नेक्स्ट देखेंगे मियास्कुलर शेफ के पास या फिर सलीना आर्मरी के पास अपने लिए और क्या क्या क्वेस्ट है। ऑलमोस्ट लग चुका था वो शॉट। ओके, रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ ज्यादा खास है नहीं, वही जो नॉर्मल रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लैंडिंग लैंडस्लाइड वाइवर ये नहीं चाहिए, स्पेशल अरीना भी नहीं चाहिए, 4 स्टार पे अभी आ चुका हूँ मैं, ये भी नहीं चाहिए। कमांडर का है, 3rd फ्लीट मास्टर का है, मियास्कुलर शिप का एक और है, पम्प्ड टू डिलीवर, ये फिर से रॉटन व्हील में ही है। ओके, पम्प टू डिलीवर, तो चलो यार यही सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं डिलीवर क्या करना है यहाँ पे। चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा इस बार, लॉन्ग शॉट उठा लूँगा मैं, कि लॉन्ग शॉट का डैमेज थोड़ा ज़्यादा होता है इंसेग्लेव के कंपैरिजन पे, आई मीन रॉ इंसेग्लेव और रॉ लॉन्ग शॉट जिनका डैमेज एकदम सेम हो, उनका पर हिट डैमेज यूजुअली एवरेज आउट इंसेग्लेव सॉरी लॉन्ग शॉट का ज़्यादा रहता है। अभी क्या करना है मुझे, फॉरगॉटन फॉसिल्स इकट्ठे करने। अब फॉसिल्स कहाँ पर मिलेंगे, मैंने कभी देखे नहीं है। फॉसिल्स जो मेरे को लगता है, अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये एनवायरनमेंट में जो ऐसे ट्राइलोबाइट की तरह रोल हो करके कुछ तो भी हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई है, इनको शायद फॉसिल बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ शंख टाइप की चीज़ें हैं। और देखता हूँ, ये तो ओडो गेरोन के फुटप्रिंट लग रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। मैं चलना चाहूँगा दूसरे कैंप में, कॉम्बैट में कैसे, ऑफ कोर्स गीरोज मेरे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करूँगा, मैं चल लूँगा फॉसिल ढूँढने। ऑडियो गेयर उन्होंने मिले तभी कोई दिक्कत नहीं है कि यू, अरे बाप रे, रेडोबैन मिलने पर दिक्कत है क्योंकि रेडोबैन यूजुअली डोसाइल नहीं होते। ये नया एरिया है, यहाँ पर होपफुली फॉसिल मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर हड्डियाँ से ही मतलब जगह हड्डियों से ही भरा हुआ है। सुअर मिला है मेरे को, इसको मार सकते हैं, हाँ मार सकते हैं। ओके, क्लिक कर लेता हूँ मैं इसको। मोस्वाइन हाइट, पता नहीं ये क्या काम करता है। ब्लू मशरूम से ये भी ले लेता हूँ। फ्लैशबैग, वैसे फ्लैशबैग्स की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो यार यहाँ पर देख सकते हो एंशिएंट फॉसिल है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें मिल सकती है। फॉरगॉटन फॉसिल एक ही बार में मिल चुका है, बहुत सही, लेकिन मैं ये कहूँगा इस बार मेरा लक अच्छा था, यूजुअली एक ही बार में चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ पर पे। तो अगर तुम्हें याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक और आर्मर सेट बनाया था जो बेसिकली क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा टाइम पिकअप करने को देता था, मतलब कोई भी प्लांट वगैरह हो उससे एक टाइम ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकता था, मतलब 3 बार अगर कोई मटेरियल निकलता है वो मटेरियल 4 बार निकल सकता है। तो मुझे वो आर्मर सेट लेके आना चाहिए था ताकि अगर लक साथ ना दे तो वही यूज़ कर सके। खैर कोई दिक्कत नहीं, लक ने साथ दिया, ऐसा यूजुअली होता नहीं है बट अच्छी बात है। बोटानिकल हार्वेस्ट बॉक्स इज फुल, देखते हैं बोटानिकल हार्वेस्ट बॉक्स में क्या है। कलेक्ट हार्वेस्ट, टेक ऑल, ओके।
फिर से चलेंगे कोई तो भी रिलैक्सिंग क्वेस्ट पे। और क्या है? फोर्जिंग फीलाइन, गैस इट डोंट नॉक मी आउट। ओके, यूजुअली फीलाइंस के जो क्वेस्ट होते हैं, जो बिल्लों के क्वेस्ट होते हैं, उनका यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर मैं बिल्लों के क्वेस्ट पे हेल्प करूँगा तो एक ना एक टाइम पे अगर वही बिल्ले मेरे को क्वेस्ट में मिले तो वो क्वेस्ट में मेरी हेल्प करते हैं। बहुत ही बढ़िया मैकेनिक है इस मैकेनिक के बारे में गेम तुम्हें कभी बताता नहीं है। तो बेसिकली बिल्ले की हेल्प करने निकल लेते हैं। तो कुछ गैस्ट्रोडॉन्स मुझे मारने हैं और देखते हैं वो गैस्ट्रोडॉन क्या क्या हो सकते हैं। थर्टीन गैस्ट्रोडॉन तो मिलना ही मुश्किल रहता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, नल बेरी मिला है तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा ब्लू मशरूम के साथ, कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ब्लू मशरूम की। नल बेरी की वैसे ही मेरे पास कमी रहती है यूजुअली। तो अगर तुम्हें याद होगा गैस्ट्रोडॉन लास्ट टाइम मुझे कहाँ मिले थे, लावा के अंदर, लावा के अंदर नहीं, लावा वाली जगह के थोड़े डीप में, इस एरिया के आसपास। तो उधरी से मैं देखना शुरू करूंगा। कूल ड्रिंक मिल चुका है और अगर याद होगा तो लावा वाले एरिया में जाने से पहले कूल ड्रिंक ज़रूरी है। तो ये देखो यार, यहाँ पर बैठे हुए गैस्ट्रोडॉन। ओके, तीन गैस्ट्रोडॉन खत्म, 10 और मारना बाकी है। तो यहाँ पर कुछ और गैस्ट्रोडॉन्स है, देख ही सकते हो यहाँ पर और 3 है तो मतलब 6 गैस्ट्रोडॉन्स हो जाएंगे। ओके, 6 गैस्ट्रोडॉन्स खत्म। और आगे चलकर देखूंगा मैं और गैस्ट्रोडॉन्स मिलते हैं कि नहीं। यहां पर मुझे लगता नहीं और कोई होंगे। ओ, यहां पर और है, नाइस, 4 है यहां पर पे। ओके, 9 गैस्ट्रोडॉन्स खत्म और 4 ढूंढने हैं मेरे को। ओके, 10 खत्म है और 3 ढूंढने हैं। यहीं से तो आया था। दूसरी तरफ आगे चल के देखता हूँ और गैस्ट्रोडॉन्स मिलते हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ और है, नाइस, 3 एग्जैक्ट है यहाँ पे। चलो यार, ये क्वेस्ट भी खत्म है। गैस्ट्रोडॉन काफी मिल चुके हैं, हार्वेस्ट कर ही लेता हूँ इनका ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो क्या पता। एक और क्वेस्ट खत्म हो गया। होपफुली कुछ तो भी क्या कहते हैं, बिल्लों से रिलेटेड कुछ मिल सकता है। वो बिल्ले जो एल्डस रीसेस में रहते हैं। 30 सेकंड और बचे क्वेस्ट के लिए और 20 सेकंड तक मुझे लगता है मैं उन हर्ब्स तक पहुंच जाऊंगा। तो चलो जब तक फार्मिंग ही कर लेता हूं। 2 पोशन और, नाइस। तो ऐसे क्वेस्ट का यही चीज़ है कि जैसे जैसे ट्रैवल करते जाओगे वैसे वैसे कुछ फार्मिंग की चीज़ें भी मिल जाएंगी।
तो यार ये एक और क्वेस्ट ख़त्म हो चुका है मेरा, फिर से ऑप्शन में जाऊंगा और देखूंगा कि कुछ और है कि नहीं। डेयर डेविल एडिटर, कमांडर, थर्ड फ्लीट, ये तो हो गया लगता है। इसका भी देख लेता हूँ, कमांडर 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 आर्मरी। ओके, तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, आर्मरी में जो भी चीज़ें होती है वो हमेशा किसी स्पेशल आइटम से रिलेटेड होती है, तो आर्मरी का क्वेस्ट मैं पूरा करूँगा। फायरी कन्वर्जेंस क्वेस्ट का नाम है, लवासियोथ और क्या नाम है इसका, उरागान को मारना है। तो चलो यार यही करते हैं। लवासियोथ और उरागान, और रास्ते पे चलते चलते मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बारनोस को भी ख़त्म कर दूँ और बारनोस का विंग या फिर हाइट वगैरह मिल जाए मुझे। बहुत ही गलत जगह पर लैंडिंग किया है मैंने। कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा सबसे पहले तो, और देखूँगा लवासियोथ यहाँ पर कहीं पर है कि नहीं। और ये देख सकते हो यार यहाँ पर लवासियोथ है। कुछ चाहिए जिससे कि मैं उसको बाहर निकाल सकूँ वहाँ से, कुछ पत्थर या फिर वैसा ही कुछ। यहाँ पर मिल चुका है मुझे स्लिंगर टॉर्च, ये काफ़ी रहेगा उसको बाहर निकालने के लिए, और एक बार बाहर निकला वो नहीं बच पाएगा। चल निकल बाहर। इस गेम का साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसको मार रहा हूँ वो जैसे जैसे मेरे पैरों के नीचे से निकल रहा है, वैसे 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 मुझे ऑडिटोरियल क्यूज मिल रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। पूरी टाइमिंग। एक और टेंडराइज बस, बढ़िया। फोर साइड करना भूल गया मैं। फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट है। पैरालिसिस वेपन उठाने का यही फायदा होता है, जो भी मॉन्स्टर कमज़ोर रहता है पैरालिसिस से, यूजुअली बहुत सारे मॉन्स्टर रहते नहीं है, लेकिन जो भी रहता है उसकी लग जाती है। बहुत ही अच्छा वार। और बार हेल्प ब्रेकर, अरे गलत डायरेक्शन पे था। नाइस, कोई नहीं यार, एक स्पिरिट गेट खत्म। हिप चेक देने की कोशिश में था। हेल्प ब्रेकर नहीं, फोर साइड सक्सेसफुल था लेकिन कॉम्बो कनेक्ट नहीं हुआ। बढ़िया, कॉम्बो कनेक्ट। फिर से हिप चेक, बढ़िया शॉट। मुझे लगा था निकल जाएगा लेकिन नहीं निकल पाया। थोड़ा रह गया वो। क्लोज कॉल था वो, खैर कोई दिक्कत नहीं। लवासी बहुत आगे निकल रहा है, उसकी मटेरियल उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं भी उसके पीछे निकल जाऊँगा।
टॉर्च पर और मिल चुके हैं। ओके वो थक चुका है। नाइस, यही चांस लूंगा, कर दूंगा मैं उसको टेंडराइज। लगा नहीं था कि वो शॉट लगेगा। एक लास्ट बार मुझे, अरे यार चलो अच्छा है, कॉम्बो तो कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी इसको एक और हेल्प दे कर देना बस। और ये खत्म, और अभी एक और हाई रैंक के उरागान को भी मारना है, तो अभी उसके पीछे भी जाना है मेरे को। तो चलो इसको पहले मैं लूट कर लेता हूँ, उसके बाद उरागान के पीछे भी चल देंगे। तो उरागान को फॉलो करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने पहले कैंप पे, और वहाँ से सबसे पहले तो मैं कुछ बारनोस को उड़ा दूँगा। उड़ा दूंगा का मतलब है ख़त्म कर दूंगा, और एक बार वो हुआ तो फिर मैं चल दूंगा। इनसे क्लीव लाना चाहिए था इन सब चीज़ों के लिए, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। इसको तो सबसे पहले मैं लूट लेता हूँ, ताकि एक को मारने के बाद बाकियों की जो आइटम वगैरह की लिस्ट है वो ख़त्म ना हो जाए। हाँ ऐसे भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये भी ख़त्म हुए, तलवार को शार्पन कर लेता हूँ। और जितना मुझे याद है उरागान का जो गुफा था वो थोड़ा अंदर था इस एरिया से, तो एटलीस्ट। और अंदर से मेरा मतलब है यहाँ से एकदम स्लाइड करते ही नीचे जाते समय जो एरिया मिलता है वो एरिया यूजली उरागान का रहता है। देख ही सकते हो यहाँ पर रोल करने के लिए पूरा ट्रैक्स बना हुआ है, लेकिन उरागान यहाँ पर है नहीं कि उरागान के ट्रैक्स मिले। नाइस, स्लीप हर्फ है दोनों तरफ, और अगर यहाँ पर ट्रैक मिलते हैं तो चांसेस यही है कि उरागान भी यहीं कहीं होगा। देख सकते हो यार और भी ट्रैक्स मिल चुके हैं, और जितना मुझे लगता है इस हिसाब से उरागान को होना चाहिए लावा के अंदर। लावा के अंदर नहीं, लावा वाले गुफा के अंदर, क्योंकि लावा के अंदर उरागान मुझे नहीं लगता जिंदा रह पाएगा। उसकी पीठ भले ही सोने की बनी हो लेकिन मुझे नहीं लगता उरागान बच पाएगा। लवासी और पता नहीं कैसे बच जाता है। खैर जो भी है, स्काउट फ्लाइस, अच्छा उस तरफ। ये तो डोडोगामा के निशान है। उरागान दिख चुका है मुझे, मिनी मैप में देखता हूँ कहाँ पर है। शायद वो पीछे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। तो यार देख सकते हो दिख चुका है मुझे यहाँ पर उरागान,
तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं उसको वॉल बैंक दे दूंगा। अरे यार एक और बार, नाइस। उसके चिन को टेंडराइज करूंगा मैं सबसे पहले, फिर उसके पैरों को, मैं फोरसाइट करने ही वाला था लेकिन उसी टाइम के बीच में वो आ गया। चलो यार पैर भी टेंडराइज हो चुके हैं, बहुत ही टाइमिंग बढ़िया थी वो। सही टाइम पे थैनोस पैरालाइज हुआ। अरे एक और बार कोशिश, बढ़िया, और एकदम सर पे हिल देकर, नाइस। इस मॉन्स्टर का चिन ही इतना बड़ा है जिसको मैं लगातार हेडशॉट मार सकता हूँ। ओके ये बुरी खबर है, ये बुरी खबर है, वर्ल्ड वॉर टू का कारपेट बॉम्बर। क्यों मेरे पीछे क्यों? दूसरे पैर को मैं तब तक टेंडराइज कर देता हूं, नाइस। बेसल की फिर से मेरी हेल्प कर रहा है क्वेस्ट में। सच को तो वो हेल्प नहीं कर रहा, उसको बस अपने काम से मतलब है। बट खैर उरागान सोने वाला है और मेरे पास हैवी अटैक देने के लिए कुछ है नहीं, तो वही करूँगा जो करना बेस्ट रहेगा। कर दिया मैंने इसको कॉल बैक, नाइस। उरागान की पूंछ काट दी मैंने और उस पर मैं हो चुका हूं सवार। थैनोस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक और हेलम देकर, नहीं हेडशॉट और उरागान। तो चले यार जब तक वो गिरने का एनिमेशन बनाता रहता है मैं उसकी पूंछ लूट लूंगा। और पूंछ लूटने के बाद ही उरागान को लूट लूंगा। बहुत ही अजीब लगता है कहने में, बट खैर ओके। माइनिंग आउटकॉर्प में कुछ खास है नहीं, वही मास्टर रैंक मटेरियल्स है। अरे देख सकते हो एक बहुत ही नए तरह का आपका बीटल है यहाँ पर पे, तो मैं इसको योइंक्स, बीटल का नाम है बॉम्ब बीटल।
बेजलगीज अभी तक वहीं पर खड़ा था। बेजलगीज कहीं पर भी आ जाता है, टेरिटोरियल ज्यादा होते नहीं है शायद। खैर ये क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली अभी आर्मरी के पास अपने लिए कुछ तो भी नया मटेरियल होगा, या फिर कह सकते हो कुछ तो भी नया टूल होगा। टूल से मुझे याद है यार, पैलिको के लिए कुछ नए आर्मर वगैरह मुझे क्राफ्ट करने थे। काफी टाइम से वो सेम ही आर्मर सेम ही वेपन यूज कर रहा है। देखते आर्मरी कुछ है नहीं वैसे। खैर पैलिको के लिए कुछ क्राफ्ट कर लेता हूँ। फोर्ज पैलिको इक्विपमेंट, पैरालिसिस देख सकते हो यार, 75 लेवल पैरालिसिस में एक और वेपन है, और बटरफ्लाई सेट अल्फा, और मैं अभी तक हाई रैंक वेपन यूज कर रहा हूँ, तो यार कर लूंगा मैं इसको क्राफ्ट। और हाई रैंक और मास्टर रैंक के पैरालिसिस के वेपन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। वेल्काना के कुछ आर्मर है पैलिको के लिए, लेकिन वो चाहिए नहीं मुझे। गाजलागा का भी सेट है, और ये कौन सा सेट है, श्राइकिंग लेगियाना का सेट, टाइग्रिक्स का सेट। टाइग्रिक्स का सेट मुझे ठीक ही लग रहा है, एक बार गाजलागा का सेट भी देख लेते हैं। देख सकते हो फनी है बट ठीक है। ब्राकिडियोस का सेट भी देख लेता हूँ, ये भी ठीक है। ग्लैविनस का सेट मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है, लेकिन इसके लिए ग्लैविनस के काफ़ी सारे खतरनाक वाले मटेरियल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ग्लैविनस का हेलमेट जो है वो क्राफ्ट कर लूँगा, क्योंकि सिर्फ 16 कॉर्टेक्स चाहिए। ग्लैविनस शार्ट सोचने में मुझे मुश्किल हो रही है, चलो यार ग्लैविनस का ही क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा जानवर है जिसके मुझे ज़्यादा शील्ड्स या फिर आर्मर वगैरह क्राफ्ट करने नहीं है, तो पैलिको को यही दे देता हूँ मैं। तो यार नया लुक आ चुका है अपने पैलिको में। तो इसी के साथ फिर से दूसरा क्वेस्ट चेक करता हूँ मैं, और कौन से क्वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बार्नोज मैंने हंट किए थे, डिलीवरी वगैरह कंप्लीट करके देख लेता हूँ। एल्डर सीसेस में बार्नोज हाइट डन है, तो इसको मैंने कर लिया अनलॉक। हॉरोफ्रॉस रीच के लिए अजूरी रैथलॉस का चाहिए, और क्या क्या है, होल्ड हार्वेस्ट, एक्वा सैक मेरे को चाहिए। मुझे ये नहीं पता एक्वा सैक मिलता किसके पास है, जितना मुझे लगता है जूरा टोटस के पास होएगा। तो जूरा टोटस का मैं देख लेता हूँ क्वेस्ट हंटर्स नोट में जा करके। मुझे ये देखना है एक्वा सैक्स कौन से लेवल की जूरा टोटस के पास है। आई गेस लो रैंक जुराटोटस के पास ही एक्वासैक मेरे को मिल जाएगा। अच्छी बात है, लो रैंक जुराटोटस है, जल्दी से ही मरेगा वो। तो चलो चलते हैं। लो रैंक में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, और कौन से लेवल पे, हाँ थर्ड पे ही है। पाइसीन प्रॉब्लम, इसी की ज़रूरत थी। कैंप 11 सबसे क्लोजेस्ट है जुराटोटस के नेस्ट के पास से, क्योंकि कैंप 11 भी है जिसके थोड़ी दूर पे जा करके पानी के नीचे से मैं स्विम करके जा सकता हूँ डायरेक्ट ही जुराटोटस के नेस्ट पे। और क्योंकि मास्टर रैंक आर्मर है मेरे पास, लो रैंक के वाइवर्न को ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, इनफैक्ट 5 मिनट से भी कम टाइम लग सकता है। एंटीडोट भी है यहाँ पे, लेकिन एंटीडोट फुल है अभी मेरे पास। पॉइजन के वेपन्स जो है वो जैसे जैसे मास्टर रैंक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा ज़रूरी होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जिनकी कमज़ोरी होती है पॉइजन। इनफैक्ट रैथलॉस और रैथियन भी पॉइजन के से कमज़ोर है, तो उनके खिलाफ पॉइजन वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो
तो देख सकते हो यार पहले ही खत्म है ये, एक ओवर एक्टिंग पेट की तरह बिहेव कर रहा है। अरे मैं अटक गया। दिक्कत यही है लो रैंक में कि मैं कोई भी कॉम्बो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक दो बार मारने के बाद ही वो इतना ज़्यादा थक जाता है। वो तब तक पैरालाइज ही था। जैसा कि लग रहा है बस एक हेल ब्रेकर और ये खत्म। लेकिन बहुत सही गेम, बहुत सही। तो ये अच्छा मौका है और ये खत्म। होपफुली एक्वासेट मिल जाए, उम्मीद तो लगाए बैठा हूँ। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें अभी अनलॉक कर लूँ तो यूटिलिटीज़ वगैरह मेरी बढ़ जाएंगी, और एक बार यूटिलिटीज़ बढ़ गई तो क्या ही बताऊँ। अभी यूटिलिटीज़ बढ़ गई तो बाकी क्वेस्ट में मेरे को थोड़ी आसानी पड़ जाएगी। सच कहूँ तो ये सब चीज़ें अभी तक बढ़ा लेनी चाहिए थी वेलकाना तक पहुँचने से पहले ही। लेकिन एक बार वेलकाना तक पहुँच गए, मतलब आइसबॉर्न वाइवन तक पहुँच गए, तो इसका ये मतलब है आगे के क्वेस्ट जो है काफ़ी जल्दी जल्दी आने वाले हैं। ग्राइंडिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ग्राइंडिंग एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो रिसोर्सेस है वो भी मुझे ज़्यादा ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। तो यार एक्वासैक तो मेरे को मिला नहीं, इसका ये मतलब है कि फिर से जुराटोटस को हंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी देखूंगा कि जुराटोटस के लिए कोई तो भी इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट है कि नहीं। तो मैनेज इन्वेस्टिगेशंस पे जाऊंगा और यहाँ पर बाई टारगेट सॉर्ट आउट करूंगा और देखूंगा जुराटोटस है कि नहीं। जुराटोटस है, मास्टर रैंक का है, लेकिन मुझे चाहिए लो रैंक का ही। लेकिन लो रैंक के जुराटोटस है नहीं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, फिर से चल देंगे। लेवल 3 पे तो यही है मॉन्स्टर हंटर के ग्राइंड का हिस्सा। पहली बार अगर कुछ क्राफ्ट करना चाहो तो वो चीज़ शायद मिले ना मिले, तो एक चीज़ को बार बार क्राफ्ट करना पड़ सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ऑफ स्क्रीन मैंने दो वेलकाना के भी हंट किए थे इससे पहले, रिकॉर्ड करने से पहले। और वेलकाना के दो हंट करने के बाद मैं वेलकाना का सिर्फ एक ही आर्मर पीस क्राफ्ट कर पाया। तो जाहिर सी बात है वेलकाना के कुछ और हंट्स मेरे को करने पड़ेंगे ताकि 4 पीस वेलकाना आर्मर में क्राफ्ट कर सकूँ। क्योंकि फ्रॉस्ट क्राफ्ट जो स्किल है जो वेलकाना से मिलता है, बहुत ही खतरनाक स्किल है वो। अगर ग्रेट स्वॉर्ड प्लेयर हो तो वो स्किल बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। चलो गजाऊ से ही अपना जो स्पिरिट मीटर है उसको भर लूँगा। पैरालाइज रही है। अरे यार हेल्प ब्रेकर मिस, एंगल टेढ़ा।
मेरे पर अभी जंपिंग अटैक करने वाला था ये। उनो रिवर्स काट डाला मैंने। एक बार फिर से और जुरा टूट। उम्मीद करता हूँ यार इस बार एक्वासा एक मिल जाए बस। प्लीज गेम प्लीज। लूट में तो मिला नहीं। होप करता हूँ कि क्वेस्ट एंडिंग रिवॉर्ड्स में मिल जाए। तो जितना मुझे लग रहा है कि दो हेल्म ब्रेकर में ये खत्म है। तीस सेकेंड अभी और वेट करना पड़ेगा। वहां पर देख सकते हो यार मैप के बाहर जो है एप्टनॉथ वगैरह खड़े हैं। एक्वासैक और देख सकते हो यार यहाँ पर एक्वासैक मेरे को मिल चुका है। तो यार चलो इसको जल्दी से सबमिट कर देते हैं और उसके बाद मैं देखता हूँ हार्वेस्ट मीटर जो बढ़ा कि नहीं। ओके यहाँ पर जाऊँगा मैं और कंप्लीट डिलीवरीज में क्लिक करूँगा। टू होल्ड ए हार्वेस्ट एक्वासैक दो चाहिए मेरे को। मेरे पास सिर्फ एक ही है तो इसका मतलब समझ ही सकते हो। फिर से जाना पड़ेगा जुराटूटस की क्वेस्ट पे। तो यार फिर से बताना चाहूंगा यही ग्राइंडिंग का हिस्सा है। यही मॉन्स्टर हंटर है। रिसोर्सेस कुछ चीज़ें बढ़ाने के लिए या फिर कुछ आर्मर वगैरह क्राफ्ट करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। बस वही है एक बार ये सब चीज़ें हो जाए उसके बाद ये सब चीज़ें दोबारा फिर से मतलब जुराटूटस को देखना भी नहीं पड़ेगा इसके बाद एक बार ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाए तो। क्योंकि आगे जो भी ड्रैगन्स वगैरह आने वाले हैं आगे जो भी एल्डर ड्रैगन्स या फिर कोई भी नए मॉन्स्टर आने वाले हैं तो उनमें जाहिर सी बातें समझ ही सकते होगे कि जो भी पोशंस वगैरह है जो भी हेल्थ इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सब काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। और यही रीज़न है सर को मैं कर देता हूँ टेंडराइज। होपफुली हेल्म ब्रेकर लग जाए इस बार। बहुत ही सही पॉइंट पे हेल्म ब्रेकर लगा है एकदम हेड पे। वो साइड कॉम्बो कंप्लीट क्वेस्ट भी कंप्लीट। तो मुझे ऐसा लग रहा है बस एक हेल्म ब्रेकर के बाद और दो तीन अटैक्स मारने से जुराटूटस खत्म है। बस उम्मीद यही है कि एक और एक्वासैक मिल जाए। लूट में तो मिला नहीं। देखते हैं एंड क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में क्या क्या मिलता है। मिल गया तो अच्छी बात है नहीं मिला तो समझ ही सकते हो। बंगाल के नेशनल प्राणी को हेल्म ब्रेकर मारा मैंने। मछलियों की बात कर रहा हूँ मैं। बंगाल का सबसे पसंदीदा खाना।
ओके, एक्वासेक मिल चुका है, बढ़िया है, तो ये डिलीवरी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके बाद फिर से जाके चेक करूँगा कि और क्या क्या बचते हैं मेरे पास अपने हार्वेस्ट बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट डिलीवरीज, होल्ड अ हार्वेस्ट, मैंने नो किया क्या? ओके, हार्वेस्ट बॉक्स अपग्रेड हो चुका है, तो चलो एक बार जाके देख लेते हैं। तो यार ये देख सकते हो, एक और स्लॉट आ चुका है हार्वेस्ट बॉक्स पे। हार्वेस्ट बॉक्स और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अभी इसको भरने देते हैं। तो जाऊंगा मैं पोस्ट न्यू क्वेस्ट पे, ऑप्शनल पे, और देखूंगा और कुछ है कि नहीं। यहाँ पर तो नहीं है, बाकी सब अरीना लैस के हैं। तो यार अभी टाइम आ चुका है मास्टर रैंक पे चलने के लिए। MR1 के ऑप्शनल से शुरू करते हैं। सलीना आर्मरी, ओके, अपग्रेड्स गिली मैंटल। गिली मैंटल को अपग्रेड करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, तो कॉल ऑफ द वाइल्ड में देखूँगा। कॉल ऑफ द वाइल्ड वूलॉग्स को मारना है यहाँ पे। रिवॉर्ड क्या है मुझे नहीं पता। ट्रैपिंग द ट्री ट्रैशर, ओके, यहाँ पर मुझे मारना है एक बैनबरो को। ग्रामी ऑस्टर शेफ का क्वेस्ट है, तो चलो यहीं पे चलते हैं, यही क्वेस्ट करते हैं। पहले ही इस पे चलूँगा मैं, और इस क्वेस्ट के लिए मैं इंसेंट ग्लेव का यूज़ करूँगा। स्टैंडर्डाइजी, यही ठीक है। सेट डेकोरेशंस ज़रूरत नहीं है, तो चलो यार बैनबरो को मारने निकलते हैं। लेकिन निकलने से पहले क्योंकि क्या पता जो फ्लाई है मेरा, जो फ्लाई नहीं, जो परिंदा है मेरा, वो मुझे कहाँ ड्रॉप कर दे। अगर एक ही बार में बैनबरो के पास ड्रॉप कर दिया तो अजीब बात होगी। तो चलो बैनबरो को ट्रैप करना है इसमें, बैनबरो को मारना नहीं है। जो भी कैप्चर के क्वेस्ट होते हैं, अगर उस टाइम पे मॉन्स्टर को मैंने स्ले कर दिया तो वो क्वेस्ट फेल हो जाता है। तो सबसे पहले यही करूँगा मैं, अंदर जाऊंगा, आइटम बॉक्स में देखूंगा। पीटर बग यहाँ पर नहीं चाहिए। एंटीडोड हर्ब ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास देख सकते हो ट्रैंक बॉम्ब्स है, और मेरे को अभी चाहिए शॉक ट्रैप। अच्छा, शॉक ट्रैप भी है, तो सब कुछ है, रेडी है, जाने के लिए तैयार हूँ मैं। इंसेक्लेव भी यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि कुछ टाइम से कुछ क्वेस्ट पे खेल रहा हूँ और इंसेक्लेव काफ़ी मज़ेदार वेपन है। तो यार एक और चीज़ है, मैंने सोचा है कि मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड भी यूज़ करना शुरू करूँ, क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड मैं बहुत कम खेलता हूँ। और स्वॉर्ड एंड शील्ड वैसे है काफ़ी बढ़िया वेपन, बिगिनर फ्रेंडली भी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे स्वॉर्ड एंड शील्ड के और भी काफ़ी सारे मूवसेट सीखने को मिलेंगे। तो ऑलराउंडिंग काफ़ी अच्छा वेपन है, तो स्वॉर्ड एंड शील्ड उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ ग्राइंड्स वगैरह करूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा कि कौन सा स्वॉर्ड एंड शील्ड मेरे लिए सबसे बेटर है। एक हिट दे दिया उसने मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो यार जैगरास को ठिकाने लगा दिया मैंने। बैनबरो जितना मेरे को लगता है थोड़ा अंदर की तरफ होगा जंगल के। तो सबसे पहले ओके, स्काउट फ्लाइज ने कुछ तो भी पिकअप किया, सेंट वगैरह ना, कुछ भी नहीं है। खैर थोड़ा अंदर जाके मैं देखूंगा नॉर्थ ईस्ट कैंप 11 बे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कैंप 11 बेसिकली थोड़ा सा अंदर है फॉरेस्ट के, और चांसेस है कि यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिल सकती है। और अगर तुमको याद होगा यहाँ से नीचे जाते ही जो एंजनाथ या फिर तोबी कदाची का जो एरिया होता है वो वाला एरिया रहता है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है बैनबरो वहीं पर मिल सके। टोबी कड़ाची का फुटप्रिंट मिल चुका है, लेकिन टोबी कड़ाची की तलाश मेरे को नहीं है। बैनबरो को भी फुटप्रिंट मिल चुका है, और देख सकते हो स्काउट फ्लाइज ने पकड़ लिया है सेंट, और मैं चल दिया बैनबरो के पीछे।
मैप में बैन बैरो आ चुका है और मेरी ही तरफ आ रहा है। अगर सीधा ही चलता रहूं तो आगे से मैं बैन बैरो को पकड़ सकता हूं। ओके, डॉज रोल नहीं कर पाया, खैर कोई दिक्कत नहीं, पावर अप्स एटलीस्ट कलेक्ट कर लूंगा मैं। नहीं, ओ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सेव था वो। चलो एक सवारी मिल चुकी है और क्योंकि मेरे पास फायर वेपन है, बैन बैरो यूजुअली रहता है बर्फ़ वाले एरिया पे, तो होपफुली फायर वेपन जो है इसके खिलाफ ताकतवर होएगा। हेड को कर दूंगा मैं टेंडराइज। तो यार गैजलाकास अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे, देख ही सकते हो। हेडशॉट शायद नहीं मार पाया मैं, और इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उसका हेड जो है वो पेड़ के नीचे ट्रैप था। ओके, इंसेक्ट हो चुका है चार्ज। एक और बार, अरे यार नहीं, फिर से एक और सवारी। मुझे नहीं लगा तो वो इतना दूर जंप ले लेगा, कतई एंजनाथ वाला जंप था वो। एंजनाथ वाला ही जंप था क्योंकि दोनों का रिग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बेसिकली जो बॉडी टाइप है एंजनाथ और इसका बॉडी प्लान जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट के सिमिलर ही है, दोनों ही बाइपीडल क्रीचर्स है। ओके, मेढक आ चुका है, होपफुली बैन बैरो। हाँ नाइस, डॉज कर लेना चाहिए था। बहुत ही बुरा वाला स्टंट था वो। फिर से टेंडराइज करूंगा मैं। मुझे नहीं पता था उसके टांग भी हिटबॉक्स बन जाते हैं। सर को फिर से टेंडराइज कर लेते हैं। बढ़िया, एक और। बहुत ही सही मौका था और हिट भी लगा, नाइस। तो यार समझ ही सकते हो, बैन बैरो को बैन बैरो के साथ सबसे पहली फाइट जब हुई थी तब कितना ज़्यादा मुश्किल था, और अभी की फाइट मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत आगे तक आर्मर को अपग्रेड किया, बहुत आगे तक वेपन्स को भी अपग्रेड किया। फिर से उसने स्टॉम्प किया मेरे पे,
से डॉज। नाइस हेडशॉट। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। देख सकते हो बैनबेरो जो है वो पॉइजन अफ्लिक्टेड है अभी। आधा शरीर इसका अंदर क्लिप हो चुका है ग्राउंड के। और बार नहीं 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 बढ़िया। एक और सवारी लेने की कोशिश करूंगा मैं, या फिर इसको टेंडराइज भी कर सकता हूं। गलत टाइमिंग थी मेरी, फिर से गलत टाइमिंग। देख सकते हो यार पॉइजन का वो जो फूल था वो मैंने वहां पर खोल दिया है, तो अभी इसको और ज्यादा पैसिव डैमेज होएगा। एग्रो हो चुका है वो। और कुछ ज्यादा ही एग्रो हो चुका है वो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे इसकी लाश चाहिए। आई मीन लाश नहीं, मारना नहीं है मुझे इसको। चलो यार बैनबेरो कमज़ोर हो चुका है, देख ही सकते हो। तो देखता हूँ, नहीं शार्पन नहीं करना मुझे। ओके शॉक ट्रैप रेडी है। अगर कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा स्टटर कर सकूँ तो यहीं पर मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ। पूरा फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। इधर एक बैनबेरो, बहुत सही लगा दिया है मैंने ट्रैप टूल। तो चलो यार बैनबेरो हो चुका है कैप्चर। अभी कोई ना कोई नया इंग्रेडिएंट अनलॉक हो चुका होगा ने मील के मेन्यू में। अंधा हो के ब्लाइंड फायरिंग कर रहा है वो। खैर फुटिंग ज्वेल ट्रेमर रेजिस्टेंस के लिए खास नहीं है, इग्नोर करते हैं। ग्रेट हॉर्न गल्प, ओके कोई तो भी नया दारू मिला है मेरे को बील में अनलॉक हुआ है, बट खैर। और देखते हैं और क्या क्या है। आइस कैच सलियाना आर्मरी गिली मेंटल का था जो कि मैंने सोचा इग्नोर करूं। अरीना लैस, चलो ये सब तो हो चुका है। ओके पॉइजन एंड पैरालिसिस पिंच क्लेंसर बूस्ट जो है वो इससे बढ़ सकता है। ओके मैं किस चीज़ की तलाश में था वो मुझे मिल नहीं रहा। अपग्रेड्स हार्वेस्ट बॉक्स, लुकिंग फॉर दैट ग्लिमर। तो यार हार्वेस्ट बॉक्स और भी ज़्यादा अपग्रेड हो सकता है, तो समझ सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ।
चल लेते हैं यहाँ पर, लेकिन और भी देख लेते एक बार, सलियाना मेल्डर, एल्डर मेल्डर के लिए ये रिक्वेस्ट है, तो इसको भी करना चाहिए। चीफ इकोलॉजिस्ट कहते हैं, ओके चीफ इकोलॉजिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सलियाना मेल्डर, इसका भी वही क्वेस्ट है। तो मेल्डर के अपने दो क्वेस्ट है, तो चलो यार पहले लुकिंग फॉर दैट ग्लिमर ही कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है एल्डर्स रीसेस का क्वेस्ट। कि कुछ भी हो, हार्विक्स बॉक्स जो है वो मेरे को बढ़ाना है। ओके डिलीवर गाया एम्बर। गाया एम्बर क्या होता है वो मुझे नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है एम्बर क्या होता है। तो एम्बर बेसिकली वो छोटे छोटे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जहाँ पर कोई कीड़ा वगैरह कुछ तो भी ट्रैप्ड होता है। मैं दिखाता हूँ तुमको, तो यार ये है एम्बर, ठीक है। ओके ये बैरल डिपॉजिट है, इसमें से एम्बर मिलने के चांसेस है, लेकिन यहाँ से मिला नहीं है। खैर कोशिश जारी रखते हैं। यूजुअली दो कलर में पाया जाता है ये, एक तो ब्लू और दूसरा रेड। तो अगर ब्लू में नहीं मिला तो पक्के से रेड वाले एम्बर में ही होएगा वो। तो कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास, तो जाने से पहले उसी को पीऊँगा मैं। और जितना मुझे लगता है ये जो एम्बर वगैरह है वो लावा के अंदर, मतलब लावा के कैवर्न्स के अंदर सेट होगा। ओके कोल्ड ड्रिंक ले लिया है, अब बस उन एम्बर्स को ढूंढना है। गेस्टाडॉन से यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हो। इनको मैं करूँगा इग्नोर और आगे चलूँगा। ओके एम्बर डिपॉजिट यहाँ पर है। मैंने शायद एक और गलती कर दी, मेरे को दूसरा आर्मर तो भी लेके आना चाहिए था। तो एक काम करता हूँ मैं अभी के लिए इस क्वेस्ट से निकल लेता हूँ, और सबसे पहले तो यार मैं अपना सही वाला आर्मर लेके आऊँगा, या फिर सही वाले एटलीस्ट मैं डेकोरेशंस लगा के आऊँगा जो मुझे जियोलॉजिस्ट का स्किल दे सके। ओके डेकोरेशंस में देखता हूँ, अगर जियोलॉजिस्ट का स्किल मिले तो मुझे लो लेवल के आर्मर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोटैनिक ज्वेल है, जियोलॉजिस्ट होगा कि नहीं, चलो यार स्किल्स में ही देख लेते हैं ना। बोटैनिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, ओके जियोलॉजी ज्वेल है मेरे पास, तो उसको मैं कर ले दूँगा इक्विप। खैर छोड़ो, चेंज इक्विपमेंट, गैदरिंग वाला ही इक्विप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पूरे लेवल्स ऑफ चाहिए जियोलॉजिस्ट। सेट डेकोरेशंस, बोटैनी है और जियोलॉजिस्ट भी होना ही चाहिए। अभी किस में इक्विप्ड है लेकिन, बस स्किल्स चेक कर लेता हूँ मैं। बोटानिस्ट लेवल 4 है, जियोलॉजिस्ट लेवल 2 है। ओके अपने आर्मर में भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो स्किल चाहिए वो बेसिकली जियोलॉजिस्ट का है। स्किल्स जियोलॉजिस्ट नहीं है, फिर से चेक करता हूँ। बोटानिस्ट है इसमें, जियोलॉजिस्ट नहीं है। किस्मत सही नहीं है मेरी। स्किल्स चलो खैर कोई नहीं, जियोलॉजिस्ट नहीं है, बोटानिस्ट है, लेकिन फिर भी चलेंगे। पोस्ट न्यू क्वेस्ट में ऑप्शनल पे, अच्छा कहाँ पर था वो, यहाँ पे लुकिंग फॉर दैट ग्लिमर। कैंप नंबर
कैंप नंबर 8 नहीं 1 पे ही चलूंगा और पीछे के रास्ते से चलूंगा। ओके कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास, सही चीज है। तो यार ये है पीछे का रास्ता, यहाँ से बहुत ही जल्दी मैं पहुँच सकता हूँ एकदम ही लावा के कैवन्स तक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। और देख सकते हो पहले ही मेरे को एक एम्बर डिपॉजिट मिल चुका है, और यहाँ पर अच्छे खासे मॉन्स्टर्स भी है। तो सबसे पहले मैं तो यही कोशिश करूँगा कि मेरा जो कर्सर है वो गीली मेंटल पर रहे। अरे यार सीरियसली अब मच्छरों से मुझे डरना पड़ेगा। चलो एक खत्म, दूसरा भी खत्म, बहुत सही। दो गाया एम्बर और ड्रैगन वेन एम्बर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। कोल्ड ड्रिंक मैंने पिया क्या? हाँ पिया है मैंने। खैर गिली मेंटल रेडी है, और देखता हूँ और यहाँ पर एम्बर मिलते हैं कि नहीं। यहीं से तो मैं आया था, एम्बर मिले ना मिले मच्छर भरे हुए हैं यहाँ पे। एक और एम्बर डिपॉजिट है यहाँ पे, ओके ड्रैगन वेन एम्बर मुझे मिले जा रहा है, पता नहीं मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं। गाया एम्बर अभी ढूंढने की ज़रूरत है। आर्कियोलॉजिस्ट ओके आगे देख सकते हो ब्रैकिडियोज है यार वहाँ पे, तो उससे तो कुछ भी हो जाए उससे पंगा नहीं लेना है मेरे को, कि अगर उसने एक हिट मेरे को दिया तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। यहाँ पर तीन डिपॉजिट्स हैं एम्बर के, और यहाँ पर कैस्टोडॉन्स भी है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है मुझे। तो हर बार मेरे को दो ड्रैगन वेन एम्बर्स मिल रहे हैं और चार गाया एम्बर्स मिल रहे हैं, एक अच्छा रेशियो नहीं है ये। होपफुली यहाँ पर तो सिर्फ दो ही गाया एम्बर्स मिले यार, जो कि और भी बुरा है। थर्टीन ओके गिली मेंटल लगा लेता हूँ मैं, नहीं चाहता कि मैं ब्रैकिडियोस से अभी लड़ूँ, क्योंकि मास्टर रैंक के साथ ही उससे लड़ने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। अभी तो हाई रैंक आर्मर है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक और एम्बर डिपॉजिट है, ओके ब्लास्ट अटैक ब्रैकिडियोस के कलेक्ट कर लेता हूँ उसका, एटलीस्ट क्या कहते हैं मॉन्स्टर का रिसर्च लेवल बढ़ जाएगा। तो यार दो और गाया एम्बर चाहिए मेरे को, बस सिर्फ दो और। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो उनके रिस्पॉन होने का वेट करूँ, या तो खुद ही सर्च पे लगा रहा हूँ कहाँ क्या मिले क्या नहीं। दूसरा ऑप्शन ही सही है, सर्च कर लेते हैं, ये क्या पता कोई चीज़ कब कहाँ क्या कैसे स्पॉन हो जाए। यहाँ पर चेकआउट करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता होगा, तो नीचे जाते हैं सबसे पहले वाले लोकेशन से ही फिर से चेकआउट कर लूँगा। तो यार शुरू के लोकेशन पे ही स्पॉन हुआ नहीं है, तो बाकी तो भूल ही जाओ। दिक्कत यह है कि गेम में काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पॉन पॉइंट्स है गाया एम्बर्स के, और क्वेस्ट
20 गाया एम्बर्स मांगता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर डार्क सोल्स जैसा कुछ होता तो कैंप में जाऊँ तो बाकी की सारे लूटिंग पॉइंट्स फिर से रीसेट हो जाते, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। गेस्टोडॉन से दूर रहना है मुझे, आप मिल ही नहीं रहे यार और गाया एम्बर्स। और देख सकते हो यहाँ पर टेओस्ट्रा की गुफा के अंदर जाने का रास्ता भी बंद है। ओ वहाँ पर एक और एम्बर का पेड़ है जो शायद मुझे दिखा नहीं था, या फिर वो इल्यूजन है। ओके एक और एम्बर है, ये मुझे दिखा नहीं था, ऑनेस्ट मिस्टेक है मेरी तरफ से। तो चलो यार ये क्वेस्ट भी हो चुका है कंप्लीट, और अच्छी बात है कि मैं क्या कहते हैं जियोलॉजिस्ट लेवल 2 वाला आर्मर लेकर के आया था, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ अगर मैं ये नहीं लाता ना तो सबसे पहली बात तो ये होती कि एक ही एरिया से मुझे 4 बार लूटिंग टाइम नहीं मिलता, 4 बार लूटिंग टाइम नहीं मिलता, और ऊपर से उन 4 लूटिंग काउंट्स में भी मेरे को 2 गाया एम्बर्स मिलते और 2 कुछ तो भी और मिल जाते, तो वही बहुत ही बेकार आइडिया होता। तो चलो ये भी हो चुका है, बोटानिकल हार्वेस्ट बॉक्स जो है एक्सपैंड हो चुका है, वो जाकर के देख लेते हैं। देख सकते हो यार 4 स्लॉट आ चुके हैं यहाँ पे, और देखते हैं क्या हो सकता है। ऑनलाइन भूल जाता हूँ मैं बार बार, खैर एक बार डिलीवरी क्वेस्ट भी देख लेता हूँ, काफ़ी टाइम से ऑप्शनली करे पड़ा हूँ। ओह ओके कंप्लीट डिलीवरी की स्पेंडिंग में देखता हूँ और क्या क्या है। एंशियंट बट फ्रेश, सेटिंग अप कैंप इन हॉरोफ्रॉस्ट रीच, शॉर्टकट टू हैप्पीनेस, एयरशिप इंजीनियर का कुछ तो रिक्वेस्ट है। ओके खैर जो भी है फिर से ऑप्शनल पे ही चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा क्वेस्ट ऐसे होंगे जो कंप्लीट करने के लायक होंगे। बगर ऑफ बक्स, सलियाना मेल्डर रॉटेन वेल पे है, तो इसी को जाके कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। अगेन मैं चेंज कर दूंगा इसको, एक सेकेंड, हाँ स्टैंडर्ड लॉन्ग स्वॉर्ड ही पकड़ूंगा क्योंकि बग्स वगैरह मारने हैं, और लॉन्ग स्वॉर्ड का जो रेडियस है हिट बॉक्स का वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। ओके बगर ऑफ बग्स देखते हैं क्या है। वेस्पॉइड्स 15 मारने, हॉर्नेट और 20 मारने, यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे खींच खाँच के। हॉर्नेट और यहाँ पर शुरू में ही मिल चुके हैं मुझे, अच्छी बात है। दो हॉर्नेट और ख़त्म, नीचे चल के, अच्छा यहाँ पर एक और है, रेडो बाना यहाँ पर आ चुका है। यार इससे मुझे नफरत है, कहीं भी प्रकट हो जाता है अचानक से, अरे बाप रे। बैनबेरो भी यहाँ पर है, और यहाँ पर देख सकते हो एक बग भी है।
और रेड ओवन भी है। इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखूंगा मैं नहीं चाहता कि इनके बीच में लड़ाई हो और इनके बीच की लड़ाई के बीच में मैं फंस जाऊं। अरे रुक जाओ यार। ओके खत्म है वो। हॉर्निटोर्स। ओके और देखता हूँ हॉर्निटोर्स होंगे कि नहीं। यहाँ पर लगता नहीं है और हॉर्निटोर्स होंगे। अगली लोकेशन पे चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है बस। ओके इसके बीच से जाना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं सही हूँ यही लोकेशन है या ये नहीं है? जितना मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने टाइग्रिक्स को जहाँ पे मारा था। ओके यहाँ पर हॉर्नेटोर्स फिर से स्पॉन हो चुके हैं। अच्छी बात है। इनका रिस्पॉन टाइम बहुत कम है ऐसा लगता है। वो मेरे लिए ही अच्छा है लेकिन वही दिक्कत है कि कुछ कुछ टाइम पे ये जो चीज़ है वो बैकफायर भी कर जाता है। तो चलो आगे चल के देखते हैं। हॉर्नेटो 7-8 हो गए। वेस्पॉइड तो जितना मेरे को याद है कि ओड वगैरह उनके लोकेशन पे ही थे और यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी सारे वेस्पॉइड्स यहाँ पर भी है। ओके इसको मार के देखते हैं। अरे चार वेस्पॉइड यहीं पर ख़त्म। बहुत सही। ओके एक और ख़त्म, एक और ख़त्म। इस वाले को ज़्यादा चुस्ती चढ़ी है। कहाँ गया? हाँ ये भी ख़त्म। ये भी ख़त्म। नाइस। ओके हॉर्निटोर्स मिलेंगे कि नहीं अभी नहीं पता। यहाँ पर तो दिख नहीं रहे तो थोड़ा आगे चलकर देखेंगे। अगर ताकेशी कासल गेम वगैरह तुम देखते होगे तो ये वैसा ही रोलिंग बॉल था। हॉर्नेटोर्स यहाँ पर लग तो नहीं रहा कि है। खैर आगे चल के देखेंगे। ओके 11 हॉर्नेटोर्स हो चुके और 9 चाहिए मुझे। ओके वहाँ पर काफ़ी सारे हॉर्नेटोर्स थे देख ही सकते हो। हॉर्नेटोर्स 15 हो चुके और 5 चाहिए। वो तो अच्छी बात है कि बैनबरो है यूजुअली थोड़ा डोसाइल रहता है। अगर टाइग्रिक्स वगैरह होते तो मैं अभी तक ख़त्म हो चुका होता और उसी लोकेशन पे आ गए फिर से। रेडो वैन है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर जाऊँगा। अरे रेडो वैन लगातार कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है। इनकी लड़ाई में फंसना नहीं चाहता मैं। हॉर्नेटोर 20 हो चुके हैं। 20 हो चुके हैं? अच्छा 21 हो चुके। अभी मुझे को वेस्पॉड चाहिए और वेस्पॉड फार्म करने का बेस्ट जगह है जहाँ पर क्या नाम था उसका, जहाँ पर ओडोगेरोन रहता है। लगता है गलत जगह पे आ गया मैं। ओडोगेरोन यहीं के आसपास रहता है तो मैं यहीं पर चलूँगा और वहाँ पर वेस्पॉइड्स बहुत ही आराम से मिल जाएंगे मुझे। इनफैक्ट नीचे उतरते ही मेरे को वेस्पॉइड्स मिलेंगे यहाँ पे।
ये क्या किया मैंने? तो यार यहाँ पर देख सकते हो, उतरते ही वे स्पॉइट्स मिले हैं, इनको मारना शुरू करना है। एक ख़त्म, दूसरा ख़त्म। और कितने चाहिए? और पांच चाहिए मुझे, चौथा, पांचवा, नहीं चौथा पांचवा नहीं, तीन हुए हैं ये। और दो ख़त्म करने हैं, एक यहाँ पर है। और एक यहाँ पे, ऑल राइट। तो यार ये क्वेस्ट भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा आगे डिस्कवरी वगैरह करने चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। एसिड का खदान यहाँ पर देख सकते हो, नीचे क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यार, बिल्लों की कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो, यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स भी देख सकते हो दीवारों पे, दीवारों पे नहीं पत्थरों पे। ऐसा लगता है कि बिल्लों का एरिया है ये, जहाँ पर मैं घुस आया हूँ। यहाँ पर कुछ तो भी चमकता हुआ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से आऊँ तो, पर वो समझ नहीं आ रहा क्या है। शायद वो स्काउट फ्लाइज के रास्ता दिखाने का तरीका था। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म। आई होप क्वेस्ट में भी क्लाइंट से सॉर्ट आउट करने को मिल जाता कि किस टाइप का क्वेस्ट हो, ताकि जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी ऐसे रिलैक्सिंग वाले क्वेस्ट है, वो एक ही बार में खत्म कर सके। और चेकआउट करते हैं, पॉइजन पैरालिसिस, सलियाना आर्मरी, स्मिथी वेंडर, ओके, चीफ इकोलॉजिस्ट, कमांडर सलियाना मिल्डर, क्वीन एट हार्ट, इसको कर सकते हैं। और भी चेक करता हूँ क्या क्या है। स्मिथी वेंडर, कमांडर, चीफ इकोलॉजिस्ट, ओके, चीफ इकोलॉजिस्ट, सलियाना आर्मरी, ग्लाइडर मेंटल को अपग्रेड करने का है, किया जा सकता है, लेकिन और भी देखते हैं क्या क्या है। चैलेंजर मेंटल, इसको भी चेकआउट करना है। एक ऐसा मेंटल है जो मेरे को अभी तक मिला नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्यों अभी तक आया नहीं, या फिर वो कौन से लेवल के क्वेस्ट पे होगा। एक बार देख लेता हूँ मेरे पास एक्चुअल में कौन कौन से मेंटल पीसेस है। चेंज इक्विपमेंट, इतने सारे आ गए मेरे को पता भी नहीं चला था। वाइटैलिटी मेंटल है, क्लेंजर बूस्टर है, ग्लाइडर मेंटल भी है, बैंडेड मेंटल भी है। फिर से एक बार डिलीवरी चेक कर लेता हूँ और क्या क्या बचता है। शॉर्टकट टू हैप्पीनेस, एयरशिप इंजीनियर, ओके, कोरल हाइलैंड्स, रोप लिफ्ट बनाने के लिए चाहिए, जिसके लिए शैमोश हाइड चाहिए, ठीक है ये कर सकते हैं। वाटर प्रूफ मेंटल के लिए है, आइस प्रूफ मेंटल के लिए फैटी टमाटो, बड़ा अजीब सा चीज़ है बट ठीक है। रेडोवैन कैरापेस, ओके, ग्रेट मटन है यहाँ पे, एंशियंट सी बीम। तो चलो यार एजोरे रैथलॉस को मारने चलते हैं, लेकिन उससे पहले शैमोस हाइड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। ओह एल्डर मेल्डर यहाँ पर रेडी है, एक बार पूछ लेते हैं इससे क्या है क्या नहीं। एंटी पैरालिसिस ज्वेल, नाइस।
ग्रैंड मास्टर शेफ से भी एक बार बात कर लेते हैं। My goodness, the base is growing, and with more people, we're gonna need more ingredients for new dishes. If you can help me out with the quest I put together called 99 Nightshade, we can keep tails warm and tummies full. And good, don't go off on an empty stomach, meow. Or you're gonna have to answer to this ladle upside your head, helmet or not. Okay. ग्राम मास्टर शेफ का एक और क्वेस्ट है, और भी देख लेते हैं और क्या क्या है। ओके, ये एरिया मैं तुमको बताना भूल ही गया था, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बेसिकली स्टीम वर्क्स है जो सलियाना में चलता है। ये बेसिकली एक लक बेस्ड चीज़ है जो तुमको अलग अलग रिसोर्सेज देता है। ये कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ कुछ देर पे। बेसिकली ये पूरे सलियाना को पावर अप करता है। तो टेक चीफ बोलता है, Good, you're here. Welcome to Steamworks. All of Saliana's power by the steam generated here. So, what powers the steamworks? That'd be you hunters. Drop by between hunts and lend a hand, you'll do fine. I'll see you're rewarded for help. Gotta do your chores to earn that allowance, eh? Okay, तो basically यार जैसे कि यहाँ पर tutorial में बता रहा है, लेकिन tutorial छोड़ो मैं ही बता देता हूँ क्या है ये। Steamworks basically एक random number based system है जिससे अलग अलग अवार्ड्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं क्लिक करूँ हेल्प स्टीम वॉक्स पे, ओके, तो मेरे पास ये देखते हो ड्रैगन वेन शार्ड और ड्रैगन वेल कोल है। इसको फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर मैं स्टार्ट दबाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तीन बटन है। तो ये सही ऑर्डर नहीं हुआ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर सही ऑर्डर नहीं भी हुआ तो साइड में देख सकते हो कुछ अवार्ड मिल सकते हैं। तो एक्स सही ऑर्डर था इसलिए टिक मार्क आया, उसके बाद ए भी सही ऑर्डर था टिक मार्क आया, उसके बाद वाई। ओके, मैक्स पोशन मिला अभी। तो इसी तरीके से रैंडमली कुछ भी दबाते जाना है, किस्मत अच्छी हुई तो रिवॉर्ड मिलेगा, किस्मत बुरी हुई तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो रैंडम नंबर है, कुछ भी दबाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती भी हुई तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ कंट्रोल होता नहीं है। ओके, जैसे ही ये आग वाले नंबर आते हो तभी ये बिल्ले आ जाएंगे और ये तुम्हारी हेल्प करेंगे कौन सा बटन कब दबाना है। तो इसका फुल फायदा उठाओ। अरे इसमें भी मैंने गलती कर दी, मेरा मसल मेमोरी भी अच्छा खासा नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली, अब फिर से अपने पर है। तो आप देख ही सकते हो कि अगर गलत भी होता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें साइड में मिल ही जाती है। चीज़ें खास नहीं होती लेकिन काम चलाओ रहती है। फिर से आग वाला चीज़ आ चुका है, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि बिल्ले वापस से हेल्प करने आए। लेकिन अभी जो भी मैं बटन प्रेस करूँगा उसमें फ्यूल यूज़ नहीं होगा। बुरा नहीं था।
किस्मत अच्छी थी, दो बार एक साथ सही से सीक्वेंस आ गया। ओके, स्टीम अभी ओवरलोड हो चुका है तो बेसिकली एक कटसीन प्ले होगा। कोयला डालने की जगह पर हैंडलर अपनी आलू डाल रही है। डैमेज वगैरह कुछ होता नहीं है इन लोगों को, बस एक फनी सा कटसीन है ये। यार यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या रिवॉर्ड अपने को मिल रखा है। मैक्स पोशन है, बैरल बॉम्ब्स है, काफ़ी सारी चीज़ें। सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट है। तो बेसिकली सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट क्या करता है ना, कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जिसको पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बहुत ज़्यादा रेयर मॉन्स्टर पार्ट हो, तो उसको फार्म करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट से उसको मेल्डर के पास क्राफ्ट कर सकते हैं। तो वो मैं बहुत ही मतलब अच्छे खासे ओकेजन्स के लिए सेव करूँगा, उन टाइम के लिए जब जब मेरे पास कुछ अच्छा खासा वाइबेरियन प्रिंट ना हो। अभी देखता हूँ, अभी यहाँ पर तो कुछ है नहीं, एक बार एसेरा पे जाकर देखूँगा कि किसी के पास कुछ नया क्वेस्ट वगैरह हो क्या। मैं होप कर रहा हूँ बोटानिकल रिसर्च सेंटर के पास या फिर पता नहीं जो भी बंदा जो हार्वेस्ट बॉक्स अपना उगा रहा होता है उसके पास कोई नया क्वेस्ट हो, क्योंकि अगर उसके पास नया क्वेस्ट हुआ तो चांसेस है कि मेरा हार्वेस्ट बॉक्स और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर काफी लोगों के पास काफी क्वेस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो लेड बैक बोटानिस्ट, देखते हैं ये क्या कहता है। Can I ask you a favor? I think I see a way to make the harvest box bigger. Of course, यही तो चाहिए था। It should be easy enough, but I need your help. I told the head honchos what materials I need delivered. Help out when you can, and we'll find a greater harvest in no time. Torrent sack चाहिए अभी मेरे को, ठीक है? Torrent sack इकट्ठा करना है। और इसके पास तो कुछ है नहीं, चलो इसको इग्नोर करते हैं। इसके पास क्या है? Timid fiber. Well, then how would you like to help me improve the ancient tree's harvest? अरे भाई, ये भी इसके पीछे पड़ा है। All you have to do is to make a little delivery so I can whip us a new kind of fertilizer. Good luck. I bet you'd make the old gal at Botanical Research happy too. Okay, ये तो इजी है। इसके लिए बस फर्टिलाइजर चाहिए था, तो फर्टिलाइजर तो मैं सबमिट कर ही सकता हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। स्टोरेज सॉल्यूशन, ये बेसिकली क्या करता है, गेटिंग मोर स्टफ्स ग्रेट टिल यू नीड सम प्लेस टू पुट इट ऑल। लीव इट टू मी किड, आई हैव डन दिस बिफोर। ठीक है, हार्वेस्ट बॉक्स अपग्रेड। हार्वेस्ट बॉक्स वगैरह मिल रहा है, हार्वेस्ट स्लॉट चाहिए मुझे और मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा क्वेस्ट है। तो चलो वर्कशॉप पे चल के देखते हैं। और ये है सलियाना आर्मरी। ओके, इनके पास कुछ नया है, फायरी कन्वर्जेंस, ठीक है, फायर प्रूफ मेंटल, नाइस। म्याउस्कुलर शेफ के पास भी चल। ओके, नीचे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक और क्वेस्ट है इस बंदे के पास, तो उसके पास भी चलकर देखेंगे, लेकिन पहले म्याउस्कुलर के पास देखते हैं इसका क्या कहना है। You interested in bulking up the canteen with more ingredients? Now that's what I'm talking about. Take care of the quest, chef quest, a rotten request, and we'll get that menu so pumped, you'll get boosted just from reading it.
Make it safe so my guys can go out and get the goods. Don't let me down. 10 gyros मारने बहुत ही इजी है ये. इसके पास देखते हैं, इससे कभी बात नहीं हुई. Fiverr bro. Hey, working hard? What's that? You heard me mumbling? Yeah, that chef asked me to rustle up some ingredients for him. But I still got so much eating to do. Wow, are you serious? You'll go and get them for me? ये मैंने कब बोला? Good luck. Well, thanks. You're a lifesaver. The Fiverr's gotta look out for each other, eh? Well, here are the details. Good luck. बड़ा ही हरामी बंदा था वो. But खैर कोई दिक्कत नहीं. एक और क्वेस्ट है इसके पास. Working hard? देखते हैं अभी क्या है इसके पास. ओके, एक और डिलीवरी क्वेस्ट. एक और यार, कितने क्वेस्ट है इसके पास. एक और डिलीवरी क्वेस्ट. बहुत सही. Good luck. एक और डिलीवरी क्वेस्ट. गीरोस फैन चाहिए इसके लिए. Working hard. Good luck. एक और बारनोस का टैलेंट चाहिए. बस बस भाई, हो गया. और नहीं हो सकता. नीचे कोई तो भी है तो ट्रेड यार्ड पे चलते हैं. वाटरफॉल ब्रिज क्या है? लिटरली यहाँ पर. खैर, वर्कशॉप. मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ. ओके, ये है कहाँ पर? अभी ये शेफ़ के पास है, कैंटीन के पास. वर्कशॉप नहीं यार. कैंटीन के पास, जहाँ पर मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क तो दिखा रहा है मिनी मैप में, लेकिन कोई दिख नहीं रहा. तो शायद से ओ, इसकी बात चल रही थी. हे, आई कैन यूज सम हेल्प. थिंक यू कैन डू मी दिस फेवर. व्हेन इट्स डन, वी विल बी एबल टू गेट अ न्यू फर्टिलाइजर मेड फॉर द एंशिएंट ट्री. थैंक्स एंड गुड लक. तो यार, एंशिएंट ट्रीज के ऑलमोस्ट सारे क्वेस्ट अपने पास आ चुके हैं. तो ठीक है, चलते हैं क्वेस्ट बोर्ड पे और वहीं से शुरू करेंगे बाकी के सारे क्वेस्ट. इस बंदे का नाम मैं पढ़ लेता हूँ. चीफ बोटानिस्ट. ओके, तो चीफ बोटानिस्ट के मेरे को क्वेस्ट करने हैं और बाकी के जो भी एंशिएंट ट्री के क्वेस्ट हैं. पोस्ट न्यू क्वेस्ट. मास्टर रैंक नहीं, हाई रैंक में देखूँगा. ऑप्शनल में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है. चीफ इकोलॉजिस्ट शायद, ये नहीं, चीफ बोटानिस्ट का क्वेस्ट करना है मुझे. थर्ड फ्लिक्स मास्टर, मियास्कुलर शेफ, स्कैल्डिंग स्कूप. खैर, कमांडर अरीना लैस. ओके, आई गेस मास्टर रैंक में ही वो क्वेस्ट वगैरह है. आइस कैच, सलीनाना आर्मरी, गिली मेंटल, जाने देते हैं. कॉल ऑफ द वाइल्ड, ये पता नहीं कैसा क्वेस्ट है. वाइल्ड स्पायर ट्रेजर हंट. चीफ इकोलॉजिस्ट अरीना लैस. स्मिथी वेंडर चीफ इकोलॉजिस्ट. ग्राम मियास्टर शेफ. मेल्डर. ओके, चीफ इकोलॉजिस्ट. यार, अभी अभी तो मैंने क्वेस्ट देखे थे, वो कहाँ गए? ओ, मैं भूल गया, वो क्वेस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. वो क्वेस्ट बेसिकली डिलीवरी क्वेस्ट है, तो डिलीवरी कर लेता हूँ मैं सबसे पहले. कंप्लीट डिलीवरीज. माउंटेन ऑफ मशरूम्स पेंडिंग में देखूँगा. मिलियन जेनी वेजी. खैर, इनको बाद में देखते हैं. माउंटेन ऑफ श्रूम्स, मशरूम सबस्ट्रेट, हार्वेस्ट बॉस अपग्रेड. इसके लिए चाहिए टोरेंट सैक. अब देखते हैं टोरेंट सैक जो है वो किस वाले मॉन्स्टर में रहता है. मुझे लगता है ज्यूराटोटस के पास ही रहेगा, लेकिन कौन से रैंकिंग के ज्यूराटोटस के पास, वो भी देखना है मुझे.
ओके हाई रैंक के जूरा टोटस के पास है। तो यार चलो अभी और कुछ जूरा टोटस को मारने चलते हैं। हाई रैंक असाइंड नहीं, ऑप्शनल में जाऊंगा मैं और यहाँ पर देखूंगा। सबसे पहला जूरा टोटस ये है, अप योर वेस्ट इन द वेस्ट। तो चलो यार इसी को कंप्लीट करते हैं। कैंप 11 में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको मारने के लिए मैं एक फ्लेयर छोड़ दूं, फ्लेयर यानी कि SOS फ्लेयर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यही क्वेस्ट अभी रिपीटेटिव चले। तो बेसिकली जितनी जल्दी क्वेस्ट कंप्लीट हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर है। और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर कोई हेल्प करने आता भी है तो क्वेस्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हेल्थ बढ़ जाता है मॉन्स्टर का। बट खैर एक से भले दो, तो छोड़ दिया मैंने SOS फ्लेयर। कोई हेल्प करने आए अच्छी बात है, कोई ना करने आए कोई दिक्कत नहीं। दो टोरेंट सैक्स की ज़रूरत है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसको मारने के बजाय मैं उसको कैप्चर कर लूँ। एज यूजुअल सरप्राइज हो जाता है ये, और सरप्राइज के मारे एकदम ही स्टन हो जाता है। अरे बहुत ही सही टाइम पे डीआई स्पिरिट स्लैश मारा था मैंने। शॉट मिस, ओहो किसी ने तो भी ज्वाइन कर लिया है। बढ़िया टाइम पे स्टन, चलो अच्छा शॉट लगा, हेड पे नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बस वेस्ट नहीं हुआ मेरा हेल्म देकर। हेड शॉट, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्लेयर अभी तक पहुंची नहीं है या फिर पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मैंने जूरा टोटस को मार लिया। खैर कोई दिक्कत नहीं। होपफुली यार दो टोरेंट से एक ही बार में मिल जाए। जानता हूं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूं गेम से या फिर अपने लक से। एटलीस्ट एक टोरेंट सैक मिल जाए। अगर नहीं मिला तो फिर से इसको हंट करने के लिए आना पड़ेगा। ओके 20 सेकंड बचते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर को कैप्चर करने के बाद मॉन्स्टर के हर हिस्से के एटलीस्ट दो दो पार्ट्स मिलने चाहिए थे, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। ओ देख रहे हो मेरी किस्मत यार, आज पता नहीं लग, अच्छा है दो टोरेंट सैक मिल चुके हैं, बहुत सही। चल लूंगा मैं अभी एंशिएंट ट्री वाले के पास डिलीवरी कंप्लीट करने। आज लक अच्छा चला है तो हो सकता है कल दिन ही मेरा बेकार जाए, बट खैर कोई दिक्कत नहीं।
कंप्लीट डिलीवरीज योर स्टोरेज सॉल्यूशन. तो यार स्टोरेज हो चुका है कंप्लीट. नाइस. एक बार देख लेते हैं एंशिएंट ट्री के पास. ओके तो यार देख ही सकते हो अभी स्टोरेज आई गेस ये आखिरी लेवल है क्योंकि यहाँ पर देख ही सकते हो जो ये एरिया है वो पूरा फुल हो चुका है. तो खैर काफ़ी सारे रिलैक्सिंग क्वेस्ट कर लिए हैं यार. तो यहीं पर आज मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ. मैं जानता हूँ आज का एपिसोड थोड़ा फिलर टाइप का एपिसोड था लेकिन मॉन्स्टर हंटर की यही चीज़ है. हर बार हंटिंग करने में हर बार ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हंटिंग का क्वेस्ट मिले. कुछ क्वेस्ट ऐसे भी होंगे जिसमें चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी. और अभी देख सकते हो क्योंकि कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के बाद अपना जो हार्वेस्ट बॉक्स है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और यही चीज़ें आगे के हंट्स वगैरह को ईजी बनाती है. तो खैर इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ ख़त्म. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आज का रिलैक्सिंग एपिसोड तुमको कैसा लगा. और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और तुमसे मिलता हूँ अगले एपिसोड पे.